नमस्कार। आपका इस वीडियो में जो कि एक हिंदी वर्सन है उसके अंदर स्वागत है। ये वीडियो मैं इंग्लिश में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ इसका हिंदी वर्सन, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने कहा कि आप इंग्लिश वीडियो के साथ साथ हिंदी वीडियो भी रिकॉर्ड करके अपलोड किया कीजिए। इसलिए मैं ये हिंदी वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है या मिलने वाला है। और इस वीडियो में बताऊंगा कि ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज़ की स्टडी की ज़रूरत होती है, हाउ यू शुड बिगिन द स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। तो इसमें अभी हम देखेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी की पढ़ाई की शुरुआत में हमें किस सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ना होता है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जा रहा हूँ। इसमें हम सबसे पहले देख लें कि ह्यूमन एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है। ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी के जो स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हैं, उनकी स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। और चूंकि हम ह्यूमन बीइंग की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको ह्यूमन एनाटॉमी बोलते हैं। इस डेफिनेशन को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है या आगे बढ़ कर दिया है, जिसमें कि हम सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी में ह्यूमन के ऑर्गन्स या विसराज या नर्व्स, ब्लड वेसल्स या स्ट्रक्चर्स के हम की स्टडी ही नहीं करेंगे, उसका स्ट्रक्चर को ही हम सीखेंगे नहीं, बस उसके साथ साथ उस स्ट्रक्चर के आसपास और जो दूसरे रिलेशंस हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तब हम ये भी देखेंगे कि किडनी के आगे, पीछे, ऊपर, नीचे और साइड में दूसरे कौन से स्ट्रक्चर रिलेटेड हैं, उसको भी हमें पढ़ना होगा। क्योंकि मेडिकल साइंस में सिर्फ स्ट्रक्चर आइसोलेटेड ऑर्गन का पढ़ने से काम नहीं चलता, उसके आसपास के स्ट्रक्चर को भी पढ़ना पड़ता है। क्योंकि जब एक सर्जन किडनी को ऑपरेट करेगा, सर्जरी करेगा उसके ऊपर, तब उसको उसके आसपास के दूसरे अन्य स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है। और इसी कारण ह्यूमन एनाटॉमी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि हमें उसके रिलेशंस भी पढ़ने होते हैं। अब आपको पता है कि ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ने के साथ साथ हमें फर्स्ट ईयर में दो दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ना होते हैं, जिनका नाम फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है। पर इस वीडियो में हम सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी की ही बात करेंगे, और इस स्लाइड में मैं बताऊंगा कि ह्यूमन एनाटॉमी में हमें और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं या कौन कौन सी बुक्स हमें रिफर करना होंगी। तो हमें जस्ट ए मिनट, लेट मी हैव द कर्सर और पॉइंटर विथ मी। एंड पॉइंटर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहली बुक जो पढ़नी होगी आपके एडमिशन के तुरंत बाद, उसका नाम जनरल एनाटॉमी है। जनरल एनाटॉमी जनरल चीज़ों को सिखाएगी उस एनाटॉमी के बारे में, और अभी मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और जो दूसरी बुक हमें पढ़नी होगी या दूसरा सब्जेक्ट, उसका नाम है ग्रॉस एनाटॉमी। आपका लगभग 70% टाइम हम एनाटॉमी डिपार्टमेंट में ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ने के अंदर जाएगा। अब ग्रॉस एनाटॉमी होती क्या है? ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब होता है जो एनाटॉमी या स्ट्रक्चर्स इंटरनल या एक्सटर्नल हम अपनी आँखों से देख करके पढ़ सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से। इसको हम ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी के लेक्चर्स होंगे, और उसके बाद आपको डिसेक्शन हॉल में वही चीज़ जा करके डिसेक्शन करके देखनी होगी। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया किडनी का, तो आपको पहले किडनी का एक लेक्चर होगा, और उसके बाद डिसेक्शन हॉल में एब्डोमेन में किडनी को आपको डिसेक्ट करके देखना होगा। इस तरह से ग्रॉस एनाटॉमी एनाटॉमी का एक मेन सब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने कहा, 70% आपका सब्जेक्ट ग्रॉस एनाटॉमी पर आपका टाइम जाएगा इस डिपार्टमेंट में। उसके बाद हिस्टोलॉजी, जो कि माइक्रोस्कोप से हम स्ट्रक्चर
पढ़ेंगे, फिर एम्ब्रियोलॉजी दैट मींस डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एज एन एम्ब्रियो एंड फीटस, मदर के अंदर, यूट्रस के अंदर, फर्टिलाइजेशन से लेकर के बर्थ तक के जितने भी डेवलपमेंट हैं वो हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे, और जेनेटिक्स भी हमें ह्यूमन एनाटॉमी में ही पढ़ना होगा, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से एनाटॉमी के इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये जेनेटिक्स में क्रोमोसोम्स पे जो जीन होते हैं उनका स्ट्रक्चर हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए जेनेटिक्स भी ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर आ गई है। सो इतने सारे सब्जेक्ट आपको ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ना पड़ेगा, पर इन सबको पढ़ने के पहले आपको सबसे पहली जो पुस्तक है वो या सब्जेक्ट है वो जनरल एनाटॉमी पहले के 15 दिन में कंप्लीट करना होगी। सो इट इज़ द जनरल एनाटॉमी जो है वो आपकी पहली किताब होगी, जहाँ पर के आपको एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी के जनरल एस्पेक्ट पढ़ना पड़ेंगे। तो अगर हम देखें तो जनरल एनाटॉमी एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जो कि हम पहले के 10 या 15 दिन में, 10 या 15 लेक्चर्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट में कंप्लीट कर लिया जाता है, और इसको पढ़ना ज़रूरी होता है। जबकि आप प्रॉपर एनाटॉमी या तो ग्रॉस एनाटॉमी को पढ़ना शुरू करें, उसके बिना आपको ये समझ में नहीं आएगी। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि जनरल एनाटॉमी हमें सबसे पहले क्यों पढ़ना है, हम डायरेक्ट एनाटॉमी या स्ट्रक्चर बॉडी के या डिसेक्शन हॉल में जाकर क्यों नहीं पढ़ सकते। इसका रीज़न ये है कि बिना जनरल एनाटॉमी पढ़े आपको ग्रॉस एनाटॉमी या प्रॉपर एनाटॉमी जो है वो समझ में नहीं आएगी, बहुत ही डिफिकल्ट होगा, रादर आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, इसलिए हमें जनरल एनाटॉमी पढ़ना ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जिसमें बताऊंगा कि जनरल एनाटॉमी में आपको क्या पढ़ना होगा, आखिर है क्या जनरल एनाटॉमी। ये जो आप बुक देख रहे हैं जिसका कवर पेज, ये जनरल एनाटॉमी की किताब है जो मेरे द्वारा लिखी गई है, और उसको पीपी पब्लिशर ने पब्लिश किया है। मैं ये नहीं कहता कि आप यही किताब पढ़ो, आप कोई भी किताब से जनरल एनाटॉमी पढ़ सकते हैं, पर ये किताब बहुत छोटी सी है, लगभग 130 पेज के अंदर सारे चैप्टर्स आ गए हैं, और बहुत ही सरल भाषा में, इंग्लिश में इसमें समझाया गया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कंटेंट्स क्या क्या हैं, जनरल एनाटॉमी के चैप्टर्स क्या क्या हैं, जिससे आपको आइडिया आएगा कि जनरल एनाटॉमी में हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी। ये जस्ट एक जनरल चैप्टर है जिसमें आपको सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसमें कितनी सब डिसिप्लिन्स हैं, कितने सब सेक्शंस हैं एनाटॉमी का, वो डिस्क्राइब है। दूसरे चैप्टर में आपको एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी बताई जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक एनाटॉमिकल या मेडिकल लैंग्वेज सिखाई जाएगी, जो कि जनरल पब्लिक नहीं बोलती है, सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल ही इस टर्मिनोलॉजी या शब्दकोश को यूज़ करते हैं, और आपस में बात करने के लिए फिर वो इजी हो जाता है। तो ये एक तरह का शब्दकोश या टर्म है, टर्म का समूह है, जिसको जो आपको सीखना पड़ेगा, उसके बिना एक तरह की लैंग्वेज है, एक तरह की वोकैबुलरी है जो आपको मेडिकल में सीखना पड़ती है। ये सिर्फ एनाटॉमी पढ़ने में उपयोगी नहीं होगा, बल्कि आपके जीवन भर इसी लैंग्वेज में आपको मेडिकल की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये टॉपिक जो है नंबर 2, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम स्किन और उसके एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स, जैसे कि बाल, नाखून, ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, जो कि स्किन से डिराइव्ड होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्किन हम सबसे पहले क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी आप डिसेक्शन शुरू करेंगे तो सबसे पहला इंसीजन आप स्किन के ऊपर ही देंगे, इसलिए आप स्किन के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।
उसके बाद सेकंड आई मीन से नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो सुपरफिशियल फेसिया और डीप फेसिया का होगा, जिसमें कि स्किन के नीचे पाए जाने वाले फाइब्रो फैटी टिश्यू या फाइब्रस मेम्ब्रेन जो कि डीप फेसिया है उसके बारे में जनरलाइज इंट्रोडक्शन, पूरी बॉडी में कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके कंटेंट्स क्या हैं, ये सब इस चैप्टर्स में बताया जाएगा। उसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो हम स्केलेटल सिस्टम या बोन्स के बारे में और हमारा स्केलेटन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि स्केलेटन हमारी बॉडी का बेसिक फ्रेमवर्क बनाएगा, इसलिए हम ये इस चैप्टर को पहले पढ़ लेंगे। और ये जो बोन्स हैं उनका क्लासिफिकेशन, कितने तरह से वो क्लासिफाई होती हैं, किस किस तरह की बोन होती हैं, उनका नंबर क्या है, कहाँ कहाँ कौन सी बोन मिलती है, सारी विस्तृत जानकारी पूरी बॉडी की बोन्स के बारे में इसमें दिया जाएगा। और उसके बाद हम जॉइंट्स में आएंगे, जब बोन्स आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो वो जॉइंट्स बनाती हैं। इस चैप्टर में जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं, उसके मूवमेंट्स किस तरह के होते हैं, कैसे कैसे जॉइंट्स हमें आई मीन टू से चलने फिरने दौड़ने कूदने के अंदर आपको मदद करते हैं, ये सब स्ट्रक्चर जॉइंट का हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मसल्स के बारे में हम डिफरेंट टाइप्स की मसल्स पढ़ेंगे बॉडी में मिलने वाली, जैसे कि स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल या विसरल स्मूथ मसल्स, और ये मसल्स क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, बोन्स के साथ मिलकर के वो कैसे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं जो कि मूवमेंट्स के लिए ज़रूरी है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से होकर के ब्लड बहता है, आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे, वेन्स के बारे में पढ़ेंगे और कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको बताएगा कि न्यूट्रिशन और गैस का जो एक्सचेंज होता है कैपिलरी वो किस प्रकार से होता है पूरी बॉडी के अंदर। फिर इसी के साथ साथ हम एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, और उस लिम्फेटिक सिस्टम से हमें ये पता चलेगा कि लिम्फ कहाँ पैदा होता है, फिर वो कैसे बहता है शरीर में, कैसे फिल्टर होता है लिम्फ नोड के अंदर, और अल्टीमेटली कैसे वीनस सिस्टम में ड्रेन हो जाता है। ये सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी में होने वाले कैंसर्स इस लिम्फ नोड में लिम्फेटिक सिस्टम से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैंसर कैसे फैलता है ये बताएगा। लास्ट वाला चैप्टर जो है वो नर्वस सिस्टम का है, जिसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जनरल इंट्रोडक्शन और उसमें से निकलने वाली नर्व, जैसे कि क्रैनियल नर्व जो कि ब्रेन से निकलती हैं, या तो स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, उनको हम पेरिफेरल नर्व्स बोलती हैं, वो कैसे जाके बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेंगी, मसल्स को, विसरा को, और उनका फंक्शन कैसा है। इस तरह से हम कई चैप्टर्स के थ्रू जनरल एस्पेक्ट एनाटॉमी का पढ़ेंगे। हम एक्चुअल जो प्रॉपर एनाटॉमी है, ग्रॉस एनाटॉमी है, रीजन की है, जैसे इसको पढ़ने के बाद हम अपर लिम का डिसेक्शन करेंगे तो हम अपर लिम के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, हम जनरल इस बोन मसल्स नर्व्स वेसल्स स्किन जॉइंट्स कैसे होते हैं पूरी बॉडी में उनके बारे में जनरल एनाटॉमी में पढ़ेंगे, जिससे कि जब हम प्रॉपर एनाटॉमी में जाएं, रीजनल एनाटॉमी में जाएं, तो हमें उसे समझने की कोई परेशानी ना हो। इस तरह से ये सब्जेक्ट जनरल एनाटॉमी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं आपसे कहूँगा कि पहले 15 दिन आप मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के बिल्कुल मिस ना करें, जिस नहीं तो आपको बाद में पढ़ाई जाने वाली एनाटॉमी समझ में नहीं आएगी। Lastly, I thank you for watching this video and wish you all the very best for your studies in human anatomy. अगर आपको कोई और चैप्टर हिंदी में चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जिससे कि मैं वो चैप्टर भी आपको हिंदी में बता सकूं। थैंक यू वेरी मच।